नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज जैसा कि 10th क्लास का ज्योमेट्री का पेपर था जो कि बहुत ही आसान पेपर था, तो आज आप उसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे करके बताने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लेने वाले हैं। फर्स्ट आज इस वीडियो हम लेने वाले हैं केवल MCQ क्वेश्चन, क्योंकि MCQ क्वेश्चन केवल 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ईजी था, और सारे MCQ क्वेश्चन आपके बुक के ही थे तो बहुत ही आसान थे। तो चलिए मैं एक एक करके सारे MCQ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी नेक्स्ट जो अदर वीडियो रहेगी हम उसमें आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सभी लेने वाले, तो हमारी सारी वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। देखिए ये सामान्य हमारे पेपर है और यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स दी गई है जिसे हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम डायरेक्टली आप पेपर आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 हमारा है ए में, 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी सब क्वेश्चंस, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ दैट आंसर। मतलब जो भी क्वेश्चन सही होगा उसका, जो भी आंसर सही होगा उस आंसर का हमें अल्फ़ाबेट लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए मैंने बताया दिया था आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें कैसे बताना रहता है। तीन साइड दी रहती है, तीनों साइड में से हम जो बड़ी साइड है पहले उसका स्क्वायर निकालते हैं और जो दो रिमेनिंग साइड है उसका स्क्वायर निकाल के जोड़ देते हैं। तो बड़ी साइड के जो स्क्वायर रहेगा और जो दो रिमेनिंग साइड का स्क्वायर अगर जोड़ के अगर इक्वल होता है तो वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, सेकंड वाला आप करेंगे तो गारंटी हो जाएगा, बिकॉज 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ देते 25 होगा और बड़ा वाला नंबर हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट होगा, 3, 4, 5, यह क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली टच ईच अदर एक्सटर्नली, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देखिए यहाँ पे जो भी रेडाइज हैं वो क्या है, एक दूसरे से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर इंटरनली टच करते हैं तो उनके जो सेंटर्स का डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना पड़ता है, लेकिन अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनको जो रेडाइज है उनको माइनस प्लस कर देते हैं, तो जो उनके सेंटर का डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वन को R1 इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर ज्यूम करेंगे, सेकेंड वाले को R2 इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। अब हमें डिस्टेंस निकालना है उनके सेंटर का, तो डिस्टेंस निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 8.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, 4 फ्रॉम ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से फाइंड करने का हमें फार्मूला था, ओरिजिन से किसी भी अगर पॉइंट का डिस्टेंस निकालते होता है √x² + y², तो फर्स्ट यहाँ पे x की वैल्यू √3 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है, √3 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और +4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, √9 + 16 कितना हो जाएगा 25 और √25 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, साइड दी गई है, हमें क्यूब का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा L क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, साइड हमारी कितनी है 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 × 9, 9 × 3 = 27 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो हमने जितने भी MCQ क्वेश्चन थे एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी।